डिप्टी सीएम साहब धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में हम यहाँ खड़े हुए। मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने बात रखी, बीच बीच में लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी एक बात रखी, मैं शायद उसी से शुरू कर लूँ तो बेहतर है। उन्हें बात कही एमएसपी, मैं उस एमएसपी को जरूर इस सदन के अंदर इस अलायंस की गवर्नमेंट ने जैसे चलाया है उसकी परिभाषा का उल्लेख करना चाहूंगा। ये मैक्सिमम सपोर्ट फॉर पब्लिक है। हमारी सरकार ने पिछले वर्षों के अंदर कोविड जैसी स्थिति भी देखी, डेडलॉक किसान आंदोलन का भी देखा, इन सारी परिस्थितियों के बावजूद भी कैसे जनता को सबसे ज्यादा सपोर्ट दिया जाए, फैसिलिटेशन दी जाए, इसके ऊपर काम किया। और मैं सपोर्ट से ही शुरू करता हूं कि दुनिया की सबसे बड़ी गाड़ी बनाने की फैक्ट्री जिसमें 10 लाख गाड़ी बनेगी उसको हमने किसी और प्रदेश में जाने का काम नहीं दिया, बल्कि हम लेकर आए और लेकर भी करनाल में उचाणा में इस तरह की सोच के साथ नहीं। आप जहां से लोकसभा का चुनाव लड़े थे उस सोनीपत लोकसभा के खरखोदा आपके ससुराल के पड़ोस में लाकर लगाई, ये हरियाणा की जनता का सपोर्ट है। महोदय खरखोदा में आईएमटी में लेके आए ना, अभी आएगी, लेकिन मैं आपकी जानकारी बताना चाहता हूँ। ये फैसला जब मैं चीफ मिनिस्टर था सुजू के साथ मैं करके आ गया था, मानेसर में भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, रोहतक में भी करेंगे और खरखोदा में भी करेंगे, क्या नई बात है? 9 साल डिले कर दिया तुमने, 9 साल पहले आना चाहिए था, ना इधर तुम बड़ा स्टेट कर। फिर तो वही गोगी जी वाली बात है, आजादी के समय पर लिए फैसले थे, हर चीज मैं करके आया था, हरियाणा नंबर वन के इश्तिहार में हमने बहुत देखा, मगर धरातल पर क्या तस्वीर थी ये तो हरियाणा की जनता ने समझी और आपको सत्ता से बाहर किया। और आज हमारी सरकार ने किया है, इसलिए तो 4 साल 3 महीने से ऊपर के समय में हरियाणा प्रगति के पथ पर चला है। मैं अध्यक्ष जी जरूर बोलना चाहूंगा कि जहां सपोर्ट किया हमने हरियाणा की जनता को, आप उठाकर देखो 20,000 किलोमीटर सड़कें पूरे प्रदेश में हमने दुरुस्त करवाई, और दुरुस्तगी केवल मात्र एक लोकसभा क्षेत्र रोहतक तक सीमित नहीं रखी, ये तो दिसंबर जी बता देंगे, खरखोदा बॉर्डर क्रॉस करते ही कलोई से सड़क टूट जाती थी, किरण जी बता देंगे भिवानी आना जाना होता था, कलानौर बॉर्डर खत्म होता था, सड़क खत्म हो जाती थी, आज दुलाना अमरजीत बता देगा। और ये खड़ा हो गया, मैं इंदुराज का ही नाम लेने वाला था कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपनी कहते थे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी बॉर्डर पर जाकर, मतलब यह है पहले सड़क ही नहीं थी, सब कुछ 5 साल इनमें भी कुछ नहीं करा, 4 साल में तने सब कुछ कर दिया। ये दिखती है कि हमने क्षेत्रवाद, बार प्राकृतिक आपदा आई तो फ्लड डिक्लेयर कर आम जन को, चाहे उसका पशुधन मरा, चाहे उसका मकान टूटा, चाहे उसकी फसल खराब हुई, चाहे उसके जान माल का नुकसान हुआ, 1 महीने के अंदर अंदर उसके परिवार को उसकी पूर्ति करवा कर देने का काम किया। अध्यक्ष महोदय ये किस लिए हुआ? क्योंकि मैक्सिमम सपोर्ट टू पीपल हमने देने का काम किया। मैं तो एक चीज कहूंगा, अभी कई बातें इधर उधर की कही, मेरे को भी 4.25 साल इस सदन में हो गए, मैंने भी कभी चीज के बारे में सोचा नहीं। गोगी जी कह रहे थे हमारे साथी उधर चले गए, इधर से बात शायद हमारे असीम जी ने कही कि उधर वाले इधर आ गए, तो मौसम है, आगे लोकसभा आ लिए, विधानसभा आ लिए, तो अदला बदली तो चलती रहेगी, मगर इस हरियाणा प्रदेश में हमने एक विजन के साथ काम किया कि प्रदेश आगे। अभी गौतम जी है नहीं, मेरे बारे में बोल रहे थे, पीड़ा तो यही है 4 साल की, बबली की जगह उनको शपथ दिला देता तो वो आगे बैठे होते कूदते रहते, उस पीड़ा को तो मैं दूर नहीं कर सकता। मैं इतना बता सकता कि मनोहर लाल जी और मैंने मिलकर प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को कैसे उठाया जाए, प्रत्येक सेक्टर को कैसे बढ़ाया जाए,
प्रत्येक एरिया के अंदर विकास कैसे किया जाए, मिलकर हमारे पार्टीज ने काम किया और काम कर प्रदेश को प्रगति के पथ पर चलाया है। मैं तो आपसे और सारे सदन से यही अनुरोध करूंगा कि मिलकर हम इस पूरे सदन के अंदर आज इस अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।